मसूद पजाशकियन ईरान के नौवे राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हरा है। बता दें कि शुक्रवार को ईरान में दूसरे चरण का मतदान हुआ, जहां करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट किया। जानकारी के मुताबिक पजाशकियन को 1.64 करोड़ वोट मिले, जबकि जलीली को 1.36 करोड़ वोट मिले। वही बात करें 5 जुलाई को 16 घंटे तक चले मतदान में देश के करीब 50% यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनावों की घोषणा की गई। इससे पहले ईरान में इसी साल फरवरी में चुनाव हुए थे, जिसमें रईसी फिर से देश के राष्ट्रपति बने थे।